ये संदूकची पैसा जमा करने के लिए थोड़ी है, इसमें तो हम अपना ख्वाब जमा करते हैं। तुमको पढ़ाने का ख्वाब, जमीन छुड़ाने का ख्वाब। तुमने उनका प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। कुल, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी ना, तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगी। पता नहीं किसने तुम्हारे दिल में ये खुशफहमी डाल दी है कि आर्मी तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई है। किसी ने खुशफहमी नहीं डाली, चांस ले रही हूँ। जिंदगी में हर इंसान चांस तो लेता ही है ना। कामिल भाई को हमने बुलाया था। तुम चली जाओ ना, ले जाएंगे तुम्हें आईएसबी सेंटर। चलें। देखो, अगर तुम मुझे धोखा देकर कहीं ले जाकर मारना चाहते हो ना, तो पहले ही बता दो। मुझे कुछ सूरत आयतें पढ़नी है, मैं पहले ही पढ़ लूंगी। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? घर से बगैर इजाजत के लिए निकली हूँ। फौज में जाने के लिए निकली हो, पता है मुझे। ऐसे भरोसा मरोसा नहीं है मुझे तुम पर। अच्छी बात है, तो वापस ले जाऊं क्या? क्यों, अभी चल रहे हैं ना। हेलो, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। तुमने गुजरावाला नहीं जाना क्या? सुबह सुबह उठ के आया हूँ तुम्हारे लिए। मैं आ रही हूँ, 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। आ जाओ। We'll be very lucky if it reaches there on time. Don't worry, we'll get there. Just drive. Actually, you know what? Can you fly? I can do anything. Okay, do that then. तुम्हें आती है तो तू बता क्या आना चाहिए था। As if they care. Of course they care. They're parents. सुनो, म्यूजिक ऑन करो, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करो और ये नसीहतें करना बंद करो, क्योंकि मैं दिन रात ये बहुत लोगों से सुनती रहती हूँ। ठीक है? लाला जल्दी करो, सामान दो, आ जाओ। नाश्ता करना है? हाँ। हाँ, किधर है ये शाइस्ता? अंदर ही है। अच्छा अच्छा, बात सुनो, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा देर हो जाएगा हमको फिर। अच्छा शाइस्ता किधर है? सुबह से तुम्हारे अबू भी पूछ रहे हैं, नजर नहीं आ रही। अम्मी वो घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? उसने फौज में अप्लाई किया था, उसको वो ISSB की तरफ से लेटर आया था। आपको बताया भी था अम्मी, आप लोग इजाजत नहीं दे रहे थे। चलेगी वो इम्तिहान देने। तुम्हारे अबू को पता चल गया तो गोली मार देंगे। तुम मुझसे पूछ तो लिया होता, इतना बड़ा फैसला कर लिया। शाइस्ता, जा अब बता। क्या कह रही?
सलाम साहब जी, क्या चाहिए? वालेकुम सलाम, दो नाश्ते ले आओ, दो नाश्ते। जी सर। आईएसएसबी का पता है? हाँ हाँ पता है। कामिल, यहाँ पराठा मिलता है? हाँ हाँ मिलेगा। पराठा मंगवाओ ना। लाला दो पराठे भी लेके आना। जी साहब। हाँ सजाद, कॉफी ला दो। माजी बिन को जगाया? बीबी जी वो तो सुबह सवेरी चली गई थी। तुम्हें बताकर नहीं गई? तुम्हें बताकर गई है? आईएसएसबी गई है कुमैल के साथ। क्या आएगी मुझे नहीं पता, फोन कर लो ना। खुद पूछ लो, मुझे बताकर नहीं गई तो मैं क्यों फोन करूं? जैसे गई है वैसे आ भी जाएगी। कॉफी भेज दो ऊपर। सजाद जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। जनाब मैं हूं रबिया राजपूत, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं चलेगा। जितना पढ़ रही हो ना, लगता है पूरे पाकिस्तान में आईएसबी में लड़के और लड़कियों में टॉप करने का इरादा तुम्हारा। तो नहीं सोचूं ये? टॉप शॉप कुछ नहीं होता, सिर्फ पास हो जाओ। भाई आपके लिए टॉप शॉप कुछ नहीं होता, मेरे लिए तो हमेशा यही मैटर करता है कि मेरी फर्स्ट पोजीशन हो। यही एक चीज है जिसकी वजह से आईएसबी में तुम मार खाओगी। हाँ क्यों मार खाऊंगी काकुल में? वैसे भी काकुल को हम जैसे जीनियस की जरूरत है। Oh, really? अभी तो काकुल बहुत दूर है, अभी तो आईएसबी बैठा है। मैं तो अभी आईएसबी के बारे में सोच भी नहीं रही, मुझे बस ये पता है दैट आई विल डू दैट। चलो देखते। टेंशन ले रहे हैं। ओके अब आप जाएं। आपको सदा हम तुम्हारी मदद करते, बहुत मेहनत करना। ये आप मुझे कह रहे हैं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाए ना। अच्छी तरह से इम्तिहान देना, घबराना मत। तुम शेर बलोचा शेर। जी बाबा। और हम इधर ही है, तुमको किसी चीज का जरूरत है हमको फोन करो, ठीक है? बाबा फोन वो रख लेंगे अपने पास, जितनी दिन इम्तिहान होगा फोन नहीं होगा। लेकिन आप फिक्र मत करना, घबराना मत और बार बार फोन कर करके मत पूछना, ठीक है? ठीक। अल्लाह यमान। अल्लाह यमान बाबा। चले उस बादल पे उड़े चल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया, हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी, किस्मत की लकीरें छोड़ दे तेरी भूख से बदले रोजे, झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी, तू नहीं कमजोर आ लगा ले
बुलंद परचम में से हमारा देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे चुस्त जूते मैं यहाँ बैठ जाऊँ? या श्योर। आपके पास तो मोबाइल है, मुझसे तो ले लिया। तसल्ली रखे, मैं अभी तक गई नहीं हूँ, मेरा भी ले लेंगे। मेरा नाम शाइस्ता खानजादा है। मैं हजबीन मस्तान। इस्लामाबाद से हो? आपको कैसे पता? लग रही हो। पेशावर से? आपको कैसे पता? लग रही हो। लग रही हूँ लेकिन गलत लग रही हूँ। मैं वजीरिस्तान से हूँ। थैंक यू। आओ, माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? मेरी थोड़ी फाइल रह गई है, माफ कीजिएगा। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? आरजू, आरजू डैनियल। मैं सईदा सिद्रा। बड़ा डर लग रहा है, देखो कहीं फंसू ना तो मेरी मदद कर देना। हाँ मैं भी कर दूंगी जहां हो सके। क्या कर रही है? कौन है? एक पुरानी स्कूल फेलो। अच्छा, तुम मिल लो। अच्छा होता है अगर कोई पुराना मिल जाए तो। हर बार किसी पुराने का मिलना अच्छा नहीं होता। वो मेकअप वाली लड़की तुम्हारी क्लास फेलो है? हाँ। है प्यारी? मेकअप से तो अजीब अजीब लोग भी प्यारे लगने शुरू हो जाते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तुम क्या जानती हो उस लड़की को? नहीं, जानती तो नहीं थी। पहले माजबीन को शौक था आर्मी में आने, अब जंग है। कमरे नहीं देंगे? किस लिए? रहने के लिए।
यहाँ ऐसे ही रहते हैं। और वॉशरूम? इतना छोटा टॉयलेट, ये तो मैंने जिंदगी में पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। बेटा इंसान जिंदगी च पहले दफा बहुत सारे काम करता है, फौज है मौज नहीं। कोई गैस है? गैस मतलब? मतलब टेस्ट का कोई आइडिया? वही सब कुछ होगा जो नेट पर पढ़ा है या जो बुक्स में भी है। नहीं, वो तुम्हारे अब्बू और भाई आर्मी से है ना, तो मैंने सुना है कि आर्मी वालों को पता होता है कि क्या आने वाला है। एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। आर्मी बैकग्राउंड से कुछ नहीं होता। वाकई? हाँ, वरना मैं किताबों का ढेर ना लाती अपने साथ। तुमसे ज्यादा किताबें लाएं। ये क्या कर रही हो? नजर उतार रही थी अपनी। तुम भी उतार लो। नहीं, मुझे नजर नहीं लगती। नजर प्रूफ हूँ। हाँ, मुझे तो बहुत लगती है। अकलौती हूँ ना शायद, इसीलिए। मैंने सुना है यहाँ में हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है और हमारे बारे में रिपोर्ट कर रहा है, और जो हम कर रहे हैं ना उसके नंबर लगने हैं। तुम्हें कैसे बताऊँ? मुझे पता है, मेरे भाई के दोस्त ने बताया था मुझे। वो आर्मी में है? नहीं, कभी ना कभी तो जाएगा। तुम्हें घूर रही है। तुम्हारी इससे कोई दुश्मनी है? कोई ऐसी वैसी? नफरत है उसकी आंखों में। तुम्हें मेरी आंखों में इसके लिए नफरत नहीं नजर आती? नहीं, तुम्हारी आंखें हैं इतनी प्यारी, मुझे को नफरत नजर आएगी इनमें? तुम भी अपनी तरह की एक ही हो। खाना खाओ, ऐसे घूरती रहोगी ना तो फिर खाना भी जाएगा। ए, उसको इस तरह घूरने से क्या हो जाएगा, और उसके हंसने पे गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? ये तुम मुझे कह रही हो जो हर बात पे गुस्सा करती है? मैं हर जगह गुस्सा नहीं करती, और बिला वजह तो बिल्कुल भी नहीं करती। धोखा, दोस्ती में धोखा मुकाबले माफी होते हैं, है ना? हाँ, फिर तो ये दुश्मनी बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारे साथ। शाइस्ता किधर है? कल से नजर नहीं आई। इधर ही तो है दादी, उसने कहाँ जाने? पूरे दो पराठे खाए मैंने। खा लिए ना, अब तुमसे भागा नहीं जाएगा। ओ मना, ये पराठे काका के इतनी दूर दूर तक भागती रही हूँ मैं। वैसे तुम दोनों का झगड़ा क्या है? किसका? तुम्हारा और आईडी नंबर 9 का।
वापस जाओ। इस दफा दानियाल आए तो उससे शादी की बात करते हैं। किसकी शादी की बात? नहीं, उसकी शादी की बात। Really? हाँ, फौज में चला गया है, कैप्टन भी बन गया है, तो अब शादी वादी कुछ करते हैं ना। वो लड़की ढूंढी ना आपने उनके लिए? नहीं, पहले उससे पूछूंगी, फिर तुम्हें से पूछूंगी, फिर तुम्हारे बाबा से पूछूंगी, फिर कहीं जाके मेरी बारी आएगी। मेरी नजर में है एक लड़की। कौन? महाजुबीन। नहीं बेटा, उनके और हमारे माहौल में बहुत फर्क है। लो भला, बचपन से पसंद करती हैं आप उसे, इतने सालों से आ रही है हमारे घर पे वो। हाँ, पसंद करती हूँ तुम्हारी दोस्त की हैसियत से, लेकिन उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं। वो हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बेटा, वो करोड़पति लोग हैं, हम मिडिल क्लास। तो हम कोई गरीब तो नहीं है, अच्छा खाते पीते लोग हैं। हाँ, हम अच्छा खाते पीते लोग तो हैं, लेकिन हो सकता है उसके माँ बाप भी इसके लिए राजी ना हो, और फिर दानियाल को भी पसंद ना आए। फिर दानियाल भाई को क्यों नहीं पसंद आएगी? उसकी अपनी भी तो कोई चॉइस हो सकती है। अच्छा, और अगर अपनी कोई चॉइस ना हुई तो फिर देख लेंगे। तो फिर मैं दानियाल भाई से माजबीन के लिए बात करूं। कर लेना, लेकिन साथ में कोई और चॉइस भी होनी चाहिए। वो देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले माजबीन। हाँ, नहीं नहीं, मैं उस एसी की बात कर रही हूँ जो मैंने पिछले साल नहीं खरीदा था। 3 बार खराब हो चुका है वो। अस्सलाम वालेकुम। करवाया है ठीक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। माजबीन का? हाँ, वो कुमैल आया हुआ है ना। कुमैल आया हुआ है? मुझे पता ही नहीं। वो तुम जाओ ना, जाके मिल लो, कल ही पहुंचे हैं ये लोग। और ये क्या है? केक बेक किया था। एक मिनट, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके शास्ता, इस लड़की को भी कुछ सिखा दो। अब ये कुमैल वगैरह आए हैं तो उसके रिश्ते की बात तो होगी ना। और ये लड़की, इसे तो फुर्सत ही नहीं है घूमने फिरने से। अरे जाओ ना, मिल लो। I can do anything to marry you. You're the one. Okay, prove it. Okay. How do you want me to prove it? I don't know. प्यार तुम करते हो. You figure a way out. रबिया, तुमने बताया नहीं? मैं भूल गई हूँ, बहुत पुरानी बात है। पर्दा रख रही हो ना अपनी दोस्त का? अच्छा है, अच्छा कर रही हो। गुल जी। अबू, ये शाइस्ता किधर है? सुबह से नजर नहीं आ रही है। शायद वो तो जल्दी सो गई ना। अच्छा, मुझसे नाराज तो नहीं है? अबू, अगर नाराज है तो नाराज रहने दे उसे, आप परवाह ना करें। एक दो दिन मुंह बनाकर फिरेगी तो अच्छा है, फिरने दे, अकल ठिकाने तो आएगी। मैं तो कहती हूँ आप पूछना बंद कर दें, जितना आप पूछते तो अंदर वो सुनती होगी। तुम ठीक बोल रही हो,
खानदान के लड़के से मंगनी की है तो इसमें इतना अकड़ने की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने थोड़ी पढ़वाया था इसको। तुम ठीक बोल रही हो, वो ये सब जानबूझकर कर रही है। ठीक है, करने दो। क्या हुआ? मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, यहीं रखे थे, पता नहीं किधर चले गए। कितने पैसे थे? 15,000 रुपए थे और इसके अलावा मेरे पास और कोई पैसे हैं भी नहीं, और मैंने अभी जूता भी नहीं लिया। ध्यान से रखने थे ना, इंस्ट्रक्शंस में लिखा भी था कि 5,000 से ज्यादा ना लाएं और खुद हिफाजत करें। जूते चाहिए? मैं 2 लेके आई थी, मेरे पाँव का साइज और तुम्हारे पाँव का साइज भी सेम है ना, फिट आ जाएंगे। अच्छा, इस तरह भी ना देखना मुझे। मेरे फादर आर्मी में थे, रिटायर्ड कर्नल हैं, और मेरा भाई कैप्टन है, SSG कमांडो। वही तो, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं हो रही होगी, तुम्हें तो सब पहले से पता होगा। क्या मतलब? वही जो इम्तिहान में आना है। ये जो मैं तुम्हारे साथ आधे घंटे से टहल रही हूँ ना, ये मैं टेंशन में टहल रही हूँ। अगर मुझे सब पहले से पता हो ना कि क्या होगा और क्या करना है, तो इत्मीनान से सोई पड़ी होती। फौज से हूँ इसीलिए बता रही हूँ, कोई भी रिश्तेदारी ISSB में काम नहीं आती। हंस क्यों रही हो? तुम वैसे हो क्यूट, मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ। मेरे अम्मी अबू को भी मैं बहुत क्यूट लगती हूँ, पता है? अब पढ़े? हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही थी, पढ़ना चाहिए। किस पेज पे था टेस्ट मेरा? हाँ हाँ, ये है। मिल गया? हाँ हाँ, मिल गया। ये जो लड़की है ना, कुछ भी नहीं पढ़ती, मुझे लगता है कुछ तगड़ी से फारिश है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत लायक हो और उसको सब आता हो। हाँ, ये भी हो सकता है। हाय अल्लाह, मेरी तो आधी किताब रहती है, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं। सुनो, क्यों चक्कर लगाते हैं जाके? किधर? यही कहीं बाहर टहलते हैं। तुम्हें फेल होने से डर नहीं लगता है? फेल होगे तो वापस घर चले जाएंगे। मैं यहाँ फेल मेल होने के लिए नहीं आई हूँ, और तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं आई किस तरह हूँ। मुझे तो ये नहीं पता कि मैं काकूल जाऊंगी या कब्रिस्तान। मुझे बस पास होना है। क्या मतलब, तुम कब्रिस्तान क्यों जाओगी? इसका जवाब ना मैं तुम्हें 4 दिन के बाद दूंगी।
सो जाओ आरजू, और आधे घंटे उठ के घड़ी देखोगी तो हो गया टेस्ट। उठो, साढ़े चार बज रहे, पांच बजे नाश्ता लग जाएगा। तुम्हें ये कौन सा सही दिमाग वाला इंसान सुबह पांच बजे नाश्ता करता है? ए, तुम दोबारा सो गई हो? हाँ, मुझे खाना नहीं। तुमको नाश्ता नहीं करना? मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, मुझे नाश्ते की जरूरत नहीं है। तो क्या करती हो? रोजा रखती हूँ। कौन सा महीना रोजा रखने का? तुमने सारी दुनिया की बहस मेरे साथ करनी है? जाओ जाके नाश्ता करो, मुझे सोने दो। ठीक है फिर सो जाओ तुम, और मत कहना कि किसी ने तुम्हें उठाया नहीं नाश्ते के लिए। Ladies, I formally welcome you in ISSB for your psychological test. We appreciate your passion to join armed forces. These tests are of your quickness of imagination and decisiveness. These tests are time-based, so you are required to listen to the instructions quietly and carefully. Ladies, remember, your hard work matters. So best of luck for your test that will be commencing in few minutes. तो अल्लाह करे मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मेरे बाबा बहुत खुश होंगे। तुम्हारे माँ बाप भी खुश होंगे ना? रबिया चुप क्यों, क्या हुआ? मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई थिंक मैंने एक दो आंसर्स में गलती की है। तो क्या हुआ, मेरी तो काफी में गलती हुई है मुझे लग रहा है। नहीं लेकिन मेरी एक भी गलती क्यों हुई है? मैंने तो हर एक एक चीज पर फूल का टेस्ट किया है, पेपर पे, पेन पे, डेस्क, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा हो। तुम्हारा क्या बना? बस कुछ कर ही लिया है मैंने भी लगता है। मैं जरा जाके दो नफल पढ़ू, हाँ कल से फिर से दो नफल और पढ़ने। तुम भी कोई इबादत वगैरह कर लो। हाँ मैं भी करती हूँ। अच्छा बात सुनो, ये शाइस्ता किधर है? कल से नजर नहीं आई। इधर ही तो है दादी, उसने कहाँ जाने? तो इसने मुझे कुछ देना दिलाना भी बंद कर दिया है। दादी आपको क्या परवाह है, हम हैं ना आपको देने के लिए। अच्छा वो है किधर? दादी इधर ही तो होगी, छत पे होगी। हाँ क्यों नहीं, पहले पढ़ाई के लिए ऊपर टंगी रहती थी, अब उसको आदत पड़ गई है, अब बुलाओ उसे।
अच्छा अच्छा बुलाती हूँ उसे, पहले कपड़े तो इसी कर दूँ आपके। शाइस्ता, ए शाइस्ता, पेदी माते शे लांदे राशा, ना परमान कहीं की। या अल्लाह तोबा तोबा खुदाया तोबा। नाश्ता माश्ता तो तुम करती नहीं हो, करोगी क्या? तुम्हारी सुई नाश्ते पे क्यों अटक गई है? मैं तो वैसे ही कह रही थी। मैं फिट हूँ, जिम जाती हूँ, मैं दो चार एक्सरसाइज तो करनी है, इससे क्या होना मुझे? भाई तुम्हें नहीं फर्क पड़ता होगा, मुझे तो पड़ता है, पूरे दो पराठे खाए मैंने। खा लिए ना, अब तुमसे भागा नहीं जाएगा। ओ मना, ये पराठे काका के इतनी दूर दूर तक भागती रही हूँ मैं, आदत है, पठान हूँ मैं। चले एक चीज नोटिस की है। क्या? ये जितने जीटीओस है ना, उन्होंने काली अनेक पहनी हुई है। तो फिर क्या हुआ? तो ये हमें देख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसे देख रहे हैं, है ना? वेरी स्मार्ट। मुझे तो पता ही नहीं। All right, ladies, your next task is the track race. You have to cross all the hurdles, keeping in mind all the inbound and out-of-bound restrictions. And you have to do it in precisely 3 minutes. All right, we'll start with ID number 2. On your marks, go. करे गिर जाए। आज तो खत्म ना हो, आज ना हो खत्म। वेल डन, इन टाइम, प्लीज ज्वाइन योर ग्रुप। आईडी नंबर 9। On your marks, go to the starting point. अभी जब तुम भाग रही थी ना, तो ये तुम्हें बददुआएं दे रही थी। तुम गिर जाओ, टोकर लगे तुम्हें और तुम अपना राउंड पूरा ना कर सको। मैडम आप एक मिनट लेट हैं। आईडी नंबर 5, ऑन योर मार्क्स गो। Please join your group. ID number 6, you will be the next one. मैं फेल हो गई। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से दे देना।